Yes, my students, myself Nandlal Verma, lecturer in English, Gudha Public School, Gudha Gorji. तो हम सीख रहे हैं नोटिस और बेटा आपको बताया कि विद्यालय में कोई भी जो सेलिब्रेशन होता है ना, उत्सव मनाया जाता है, फंक्शन होता है, उसके जो एक ही तरीके से हम काम में ले सकते हैं, नोटिस हमारा तैयार हो सकता है। सब सीमा आपको पता है, 50 शब्द होते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा एक पेज भर देते हैं। बेटा हम कोई आर्टिकल स्पीच नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं नोटिस, और उसकी शब्द सीमा होती है निश्चित, और उसमें उतनी बातें कही जाती है जो कि सार्थक होती है। कई टीचर्स, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, उसमें बहुत सी बातें जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो देखिए, उसी श्रृंखला में चलते हुए अपन देखिए, मैंने उस क्वेश्चन में भी कोई फेरबदल नहीं किया है, बिल्कुल आसान से तरीके में लिखा है। यू आर द कल्चर सेक्रेटरी, आपको पिछले वीडियो में बता दिया आपको, गुढ़ा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा, ठीक है। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, आपका विद्यालय मनाने जा रहा है गांधी जयंती। क्या बेटा, गांधी जयंती मनाने जा रहा है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, पहले द रिपब्लिक डे था, इंडिपेंडेंस डे था, और अब क्या लिख दिया है, गांधी जयंती लिख दिया है, ठीक है। सो इनवाइट नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अतः विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित कीजिए टू प्रेजेंट ए कल्चर प्रोग्राम, यानी कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए गांधी जयंती के अवसर के ऊपर विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित करने हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से कि आपने उसमें किया था। अब देखिए, इधर आ जाइए। तो देखिए, ये आपके सामने द इंडिपेंडेंस डे वाला लिखा हुआ ना बेटा, तो हम सबसे पहले डेट का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अब तो यहाँ तो 5 अगस्त लिखी हुई है, लेकिन अब हमें देखना है कि ये गांधी जयंती है वो मनाई कब जाती है। तो सबको पता है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो बेटा 2 अक्टूबर से पहले की डेट डालनी है, पहले की डेट लेते हैं तो सितंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये ले दिया बेटा 28 सितंबर दे दिया, 28 SCPT सितंबर, ओके 2020 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे को हटाया है और यहाँ पर लिख दिया अपन ने GANDHI गांधी जयंती, ठीक है। फिर देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ये बेटा इसको यहाँ हटा दिया है और यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया है, गांधी जयंती, ठीक है, इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन द स्कूल कैंपस ऑन, देखो फिर डेट पे आना है, ऑन 2 अक्टूबर OCTOBER 2020 को, ओके। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर ए कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम विल बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाएगा। सो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अतः विद्यार्थियों के नाम आर इन्वाइटेड, आमंत्रित किए जाते हैं टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए फोक डांस, लोक नृत्य, फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, है ना, मोनो एक्टिंग, पोएम्स, एटेक्सरा आदि आदि, जो बातें मैंने 3 बार रिपीट कर दी बेटा आपको। वन हु वांट्स, और जो कोई भी चाहता है, ठीक है, ये बात, टू टेक पार्ट द प्रोग्राम्स, कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहता है, कैन कॉन्टेक्ट, संपर्क कर सकता है टू द अंडरसाइंड, निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता से अप टू। तो देखिए, यहाँ पर भी डेट का ध्यान रखेंगे अपन। अब इसमें अपन ऐसा करते हैं, 28 सितंबर को जारी किया तो 30 सितंबर तक अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया 30 सितंबर, अप टू 30 सितंबर तक दे दें, ठीक है, 2020। फिर यहाँ पर जो नाम है बेटा, वैसे की वैसे लिख दिया है, द कल्चर सेक्रेटरी। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हम कोई भी जो नोटिस तैयार कर रहे हैं विद्यालय में कोई भी सेलिब्रेशन का, तो बिल्कुल सीधा सा सरल तरीका ये हो गया, एक जो फॉर्म है, प्रारूप है, वो अपने काम में ले लिया है, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूँ बेटा एक बार फिर, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट गांधी जयंती इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, की गांधी जयंती मनाई जा रही है इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर में, ऑन मंडे सोमवार 2 अक्टूबर 2020 को, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर के ऊपर, ए कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम विल बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाएगा। सो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अतः विद्यार्थियों के नाम, आर इन्वाइटेड, आमंत्रित किए जाते हैं टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए फोक डांस, लोक नृत्य,
फोक सॉन्ग्स, लोक गीत, मोनो एक्टिंग, मूक अभिनय, पोएम्स एट एक्सेट्रा, कविताएं आदि आदि। वन हु वांट्स, तो ध्यान रखना है, वन हु वांट्स, जो कोई भी चाहता है टू टेक पार्ट, हिस्सा लेना द प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों में, कैन कॉन्टेक्ट, संपर्क कर सकता है टू द अंडरसाइंड निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता से अप टू 13 सितंबर। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमने देखा है कि हमने पहले नोटिस का प्रारूप लिखा, दो नोटिस हैं वो हमने तैयार किए, तो एक ही बस ज़्यादा चेंज नहीं किया, बस केवल सब्जेक्ट और डेट है उसी को चेंज किया, बाकी वैसा का वैसा आपने लिखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।